तो यहाँ पर आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूँ इस टाइम एडवेंचर आइलैंड में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को एडवेंचर आइलैंड के स्नो सिटी आइसलैंड में घुमाने वाली हूँ। पहले भी मैंने इसके ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसमें क्या नए चेंजेस आए हुए हैं और टिकट प्राइस क्या रहने वाला है, टाइमिंग की लोकेशन ये सब क्या रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले अगर कर ले लोकेशन की बात, तो ये रिठाला रोहिणी सेक्टर 10 में पड़ता है। इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो रिठाला पड़ने वाला है। वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आपको स्नो सिटी आइसलैंड देखने को मिल जाएगा। तो और टाइमिंग की बात कर ले तो सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये खुला रहता है। 7 डेज स्नो सिटी आइसलैंड खुला रहता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और आपको सारी अपडेट देते हैं स्नो सिटी आइसलैंड की। यहाँ से एंट्री करी थी, एंट्री करते ही ना सामने ही आपको ये फंडू दिखने को मिल जाएगा। फंडू के जस्ट बगल में ही स्नो सिटी आइसलैंड का ये टिकट काउंटर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो चलिए टिकट ले लेते हैं और टिकट प्राइस वगैरह पता करते हैं कि टिकट प्राइस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगर बात कर ले टिकट प्राइस की, तो मंडे टू फ्राइडे यहाँ 500 रुपये का टिकट रहता है। आ रहे हैं तो वहाँ पे 600 रुपीज़ का आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर से अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका फ्री टिकट रहता है, और उससे बड़ों का सेम प्राइस लगने वाला है टिकट का। बाकी यहाँ पर आपको -10 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इस यहाँ से आपको मिलेगा अंदर जाने का रास्ता। तो गाइज यहाँ से आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही ना आपको सामने स्नो सिटी का बोर्ड देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड पे है। तो चलिए चलते हैं। तो अगर आप मनाली जाने की सोच रहे हैं ना, तो आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप ना दिल्ली में रहकर भी बर्फ़ के मज़े ले सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ रोहिणी एडवेंचर आइलैंड के स्नो सिटी आइसलैंड की। यहाँ आ जाइए, यहाँ रहकर आप मनाली का फुल मज़ा ले सकते हैं और बर्फ़ में खेल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। चलिए हम भी चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो जैसे ही आप सामने से आएंगे ना, सामने से आके यहाँ पर आपको स्नो सिटी आइसलैंड का एंट्री गेट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का आपको टिकट मिलेगा और यहाँ पर आपको ये टिकट चेक करवाना पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ से एंट्री करेंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर। तो अंदर एंट्री करते ही ना यहाँ से आपको शू मिल जाएंगे और यहाँ से आपको जैकेट्स मिल जाएंगी। तो चलिए पहले जैकेट्स ले लेते हैं। जैकेट्स के यहाँ पे 3 कलर है, नेवी ब्लू है, ब्लू है एंड रेड है। अपने फुटवेयर रख सकते हैं। बास्केट 27 नंबर है। हाँ, तो बाकी यहाँ से शू मिल जाएंगे हमें हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग। बहुत सारे कलर। अगर आपके पास पर्स वगैरह है या कुछ सामान है ना, तो उसके लिए यहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी है। सामने है लॉकर, तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पर लॉकर पर देना होगा। ये आप देख सकते हैं, तो आपको बड़े और छोटे लॉकर दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पर। और आपको एक बात और बता दूं कि ना, जो ये जैकेट और शू है ये टिकट में इंक्लूड रहता है, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए फटाफट चलते हैं, एंट्री करते हैं। तो
तो चलिए चलते हैं अंदर। टिकट दिखाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे भी आपको टिकट, क्या बताया था आपने कि एक बार एंट्री हो गई एग्जिट उस साइड से, अगर एग्जिट होते हैं तो उस साइड से ना, और एक बार एग्जिट होने के बाद दोबारा एंट्री की। ठीक है चलिए अच्छा। चलो गाइस चलते हैं।
बाकी है ना काफी इंजॉय आप करने वाले हो यहाँ पे आके, अच्छा लग रहा है काफी यहाँ पे आके बस ये है कि आप ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे क्योंकि ठंड लगने लग जाती है और ठंड में पड़ जाते हैं, पर हाँ वन टाइम आना तो बनता है यहाँ पे। एक रास्ता ये निकल रहा है, एक रास्ता आगे की तरफ निकल रहा है, तो चलिए मैं यहाँ से निकल जाती हूँ बाहर। देखो मेरा फोन गिर चुका है बर्फ में और गीला हो गया है, आज कुछ ज्यादा ही हीट हो रहा था। कैंटीन एरिया भी है तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहो तो आप यहाँ से खा पी सकते हैं। यहाँ से पहले आपको टिकट कटवाने पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप ये कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर करके खा सकते हैं, ये इनके प्राइस लिस्ट है। सैंडविचेस वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे बर्गर वगैरह मिल जाएगा, ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ का। तो कैसा लगा आप सभी को स्नो सिटी आइसलैंड का ये ब्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों स्नो सिटी आइसलैंड में हमने बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं दोबारा से किसी नए सफर में, देखते रहिए डीएलआरवी ब्लॉग। सुबह दोस्तों ठंड की वजह से ऑल इज वेल भी यहीं पे है।